हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हिमांशु एचवी ब्लॉग्स में। और मैं हूं आज अपने गांव में, जिला बलिया उत्तर प्रदेश। और मैं हूं इस वक्त एक छोटे से अपने गांव जिसका नाम है बिन्हा। और यह है बिन्हा का एक प्राथमिक स्कूल, जिला प्राथमिक स्कूल। और यहाँ पे प्राथमिक स्कूल का मतलब होता है पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक यहाँ पे ये स्कूल है। ये आइए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है स्कूल की बिल्डिंग और ये जो लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये है मेरे गांव का विद्यालय जहाँ बच्चे आते हैं पहली से लेकर आठवीं तक। इस वक्त ये स्कूल बंद है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल बंद हैं, इसलिए अभी स्कूल बंद है ये। और आप देख सकते हैं ये गांव का जो विद्यालय है किस तरह बना रखा है बच्चों को पढ़ने के लिए। इस विद्यालय के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है, ये देख सकते हैं। और देखिए आपको दिखाता हूँ इस विद्यालय में और क्या क्या है, ये देखिए। अभी तो ये स्कूल बंद है तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिलेगा, पूरा स्कूल खाली है। पर आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, बच्चों को सारी सहूलियत देने के लिए जो भी मिलनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, ये सारी सहूलियत यहाँ पे दे रखी हैं। तो बच्चे यहाँ पे आराम से क्या पढ़ सकते हैं, पूरी अच्छी बिल्डिंग प्रोवाइड करवा रखी है। और ऐसा ही एक स्कूल और भी है, वो पुराना हो गया था इसलिए यहाँ पे ये नया स्कूल बनाया गया है। तो ये था जिला का, मेरे गांव का प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए पहली से लेकर आठवीं तक। आइए और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ इस स्कूल की खूबसूरती। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए गांव के, ये देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये है शायद प्रिंसिपल ऑफिस। और यहाँ पर आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय और जो गांव का नाम है उदहा। और ये देखिए यह है प्लेग्राउंड छोटा सा। और यहाँ पीने के लिए पानी, हाथ धोने के लिए अलग से है, पीने के लिए वहाँ पर है। और ये बीच में आपको जो बरगद का पेड़ दिखाया था बड़ा सा वो। और यह है पूरी स्कूल की बिल्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ क्लासेस भी हैं, यहाँ पीने के लिए पानी, जिसको नल से पीना हो उसके लिए भी, ये देखिए। आइए तो स्कूल की क्लासेस हम देख लेते हैं, यहाँ क्लासरूम की क्या कंडीशन है। और जैसा कि मुझे यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात लगी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूल की सारी दीवारों पर ये कोट्स लिखे हुए हैं, नारे लिखे हुए हैं कि बच्चों को जो यहाँ पे आए उनको समझ में आए हम स्कूल क्यों आते हैं, हम स्कूल से पढ़ाई सीखते हैं। और भी बहुत कुछ है, ये देखिए पूरी दीवारों पर स्कूल की आपको सारी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी जो कि लिखी हुई है, जो बच्चों को बचपन से सिखाई जानी चाहिए वो आपको बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलेगी। पर यहाँ जो गांव के स्कूल हैं उनकी हर दीवारों पर कोई ना कोई अच्छी बात लिखी हुई है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि जो गाँव के बच्चे होते हैं उनमें संस्कार घर से भी और स्कूल से भी दिए जाएं छोटी उम्र से ही। तो ये है स्कूल की बिल्डिंग, आइए। और ये देखिए सारे क्लासेस हैं जिन हर गेटों पर ताला लगा हुआ है क्योंकि ये है आंगनवाड़ी केंद्र जो कि अभी तक बंद ही हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। मतलब एक गांव के छोटे से स्कूल के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है और काफ़ी अच्छा बना रखा है स्कूल। तो ये था मेरे गांव का प्राथमिक विद्यालय। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।